हेलो दोस्तों, वेलकम टू गर्ल्फ लाइफ विद अंशु। में तो आज ईद है, तो सबसे पहले मेरे सारे सब्सक्राइबर को ईद मुबारक। मे ऑलमाइटी ब्लेस यू विद गुड हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ। तो आज का ब्लॉग, मेरा मिनी ब्लॉग मैं शुरू करती हूँ। बने रहिए गर्ल्फ लाइफ विद अंशु में। मैं आज गई थी इस बार सुपरमार्केट, सो वहाँ से मैंने कुछ ग्रॉसरी लाया है। जो जो जरूरत का चीज़ है, जो बहुत अर्जेंट है, मैं वो लाई, नहीं तो बाकी हाइपरमार्केट्स लुलू से लाती हूँ। तो सुपरमार्केट मेरे घर के जस्ट बाजू में है, तो मैं जब भी वहाँ जाती हूँ तो लोग जानते हैं, इनफैक्ट कि मेरे मेरबट टावर 1 और 2 के जब भी कोई जाते हैं तो आपको अलाउ करते हैं ट्रॉली ले जाना। अगर आप अकेले आए हैं और शॉपिंग काफ़ी ज़्यादा ग्रॉसरी वगैरह है तो बोलते हैं मैडम ट्रॉली ले जाइए, वो रात को शॉप क्लोज करने से पहले आके अपना ट्रॉली वापस ले जाते हैं। इनफैक्ट कि उसके सारे जितने सर्विस में हैं लोग, जितने हैं वहाँ पे लोग काम करने वाले, वो सब जानते हैं नज़दीक होने के कारण। और हर समय जाने का, हर दूसरे दिन जाना है आपको, दूध तो लाना ही है, बाकी चीज़ तो लाएं चाहे नहीं लाएं लेकिन दूध तो लाना ही है, तो फिर पहचानते हैं कौन से, इवन के डोर नंबर तक जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको दिखाऊंगी आज मैंने क्या क्या लिया। तो गर्मी तो बहुत है दोस्तों, इसीलिए मैंने एक कोल्ड ड्रिंक लिया सबसे पहले, और ये मेरा फेवरेट कोल्ड ड्रिंक है। तो मेरी एक इंडियन दोस्त बोल रही थी कि तुम ग्रॉसरी के बारे में कुछ दिखाओ और प्राइस में डिफरेंस बताना, इंडिया का और ओमान का। तो मैंने उसे बोला ऐसे प्राइस डिफरेंस ना किया करो, क्योंकि प्राइस डिफरेंस करने से दोस्तों ये मेंटल टेंशन हो जाएगा, फिर आप हर चीज़ को कन्वर्ट करके देखने लगेंगे यहाँ पे, अरे मैंने इतना खर्च कर दिया, अभी इंडिया में रहते तो उतना, ऐसे नहीं। अगर आप ऐसे 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 करेंगे ना तो वो टॉर्चर देना हो जाएगा, तो वैसा नहीं। जितना सैलरी है उसके हिसाब से चीज़ों में स्पेंड करिए, कुछ पैसा यहाँ कुछ पैसा भेजने में, तो वैसे, लेकिन कन्वर्ट ना करें। मैंने देखा है लोगों को कन्वर्ट करते हुए, अभी यहाँ रहते तो ये तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं, इसलिए मैं कन्वर्ट नहीं करती हूँ। तो मैंने आलू लिया है, आप देख सकते हैं 1.254 में। और ये तारबूज लिया है, कटा हुआ ही मिलता है इधर। और ये मैंने भिंडी लिया है, भिंडी का सीज़न तो अभी जा रहा है लेकिन इधर सब कुछ मिलता है, ये दूसरे कंट्री से लाया गया है ओकरा, सो ये मिलता है। और ये बनाना, और ये अल रवा भी फुल फैट, ये पनीर निकालने के लिए। दोस्तों मैं घर पे ही पनीर निकाल देती हूँ, नहीं तो हम लोग अलमराई पीते हैं। तो जनरली देखिए मेरे, तो आप देखिएगा तो दूध है भी नहीं, और जनरली अलमराई ही पीते हैं हम लोग। और ये डाइपर मेरी छोटी वालों के लिए कभी कभी स्कूल में ले जाती हूँ। और ये राइस, ये जियो भी ऐड करने लगा, इसका कवर पे देखिए दोस्तों, जीरा कल्सर राइस जो हम लोग खाते हैं 5 kg का है, और इसका ऐड देखिए जियो कर रहा है, यानी कि जियो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपना ऐड करने में, अपना मार्केटिंग करने में कमी नहीं किया है। इवन कि जो चावल आ रहा है इंडिया से, ये तो केरला का चावल है जीरा कल्सर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो ये जो चावल इम्पोर्ट कर रहे हैं हम लोग, ओमान इम्पोर्ट कर रहे हैं यहाँ के जो व्यापारी हैं, उसमें भी जियो, तो रिलायंस ने कहीं नहीं छोड़ा है, मुकेश अंबानी ने हर जगह अपना जियो का टैग लगा के रखा है। सो आज का ग्रॉसरी मैंने आपको दिखा दिया, और ये ट्रॉली मैं वापस रख लूँगी दरवाजे के बाहर, वो आके ले जाएंगे। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करिए, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।